सोचिए किसी होटल या रेस्टोरेंट में लड़का लड़की या फिर पति पत्नी साथ खाना खाते दिख जाए और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, वो भी बिना किसी गुनाह के, तो क्या होगा? जेल में सिर्फ इसलिए डाल दिया जाए क्योंकि वो साथ खाना खा रहे थे। यकीनन सुनकर हैरानी होती है, लेकिन पाकिस्तान से सटे देश अफगानिस्तान में अब यही नया फरमान आया है जिसमें कहा गया है कि यह सच है कि महिलाओं और पुरुषों को रेस्टोरेंट में अलग अलग बैठने के लिए कहा गया है। सभी रेस्टोरेंट मालिकों को मौखिक रूप से ये वार्निंग दी गई है कि चाहे वो पति पत्नी हो, नियम सभी पर लागू होते हैं। दरअसल बीते साल अफगानिस्तान पर कब्जा करते वक्त दुनिया भर के सामने बदलाव का मुखौटा चढ़ाने वाले तालिबान ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में अब आए दिन ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां खुलेआम मानव अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। हाल ही में महिलाओं के लिए बुर्का जरूरी करने के बाद तालिबान ने पति पत्नी का रेस्टोरेंट में बैठना भी बंद कर दिया है। इन नए नए फरमानों को देखते हुए ये साफ है कि तालिबान अपने वादे से मुकर गया है। साथ ही जहां दुनिया आधुनिकता के दौर में जा रही है, वहीं अफगानिस्तान लगातार पिछड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।